इलेक्ट्रिशियन। आप इलेक्ट्रिशियन के बारे में जरा सब कुछ हमको बताएं, इलेक्ट्रिशियन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक, और क्या ऐड करना चाहिए ताकि स्टूडेंट को और अट्रैक्टिव लगे पढ़ने में, बोरिंग फील ना हो, मज़ा आए पढ़ने में। आज देखिए शिक्षा एक बोरिंग जैसा हो गया है, लोग बोरिंग समझता है शिक्षा, जहाँ शिक्षा का नाम आया, को क्लास का नाम आया, लोग उसके भागते हैं उसका नाम सुन करके। तो ऐसा क्या लाना चाहिए, हम स्टूडेंटों से बात कर रहे हैं, क्या लाना चाहिए ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्ट जगे उस सब्जेक्ट के प्रति और आप याद कर पाएँ। अभी हम उनसे बात कर रहे थे तो उनको याद नहीं था, आखिर कुछ तो कोई कारण होगा, या तो अपना। अभी मैं हूँ ITI, कुछ एस्पिरेंट हैं, लड़के हैं, तैयारियां करते हैं। चलिए मैं बात करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ कि सरस्वती ITI में किस प्रकार शिक्षा दी जाती है, एक्सपेरिमेंट कैसा होता है, किस प्रकार प्रैक्टिकल होता है। चलिए मैं बात करता हूँ एक एक कर करके। क्या नाम हुआ आपका? पंकज कुमार दांगे। किस प्रकार तैयारियाँ होती है यहाँ, क्या स्पेशलिस्ट है यहाँ, अच्छा लगता हो आपको क्या यहाँ पे? हमारे थ्योरी का क्लासेस काफ़ी अच्छा लगता है। और प्रैक्टिकल? प्रैक्टिकल भी ठीक ही है। प्रैक्टिकल ठीक है, स्टार्ट अभी स्टार्टिंग है। चलिए, कब से आप कोर्स कर रहे हो? दो महीना हुआ। कैसा समझ में आ रहा है पूरा? पढ़ने में मज़ा आ रहा है? बिल्कुल। बोरिंग नहीं लग रहा? नहीं, बोरिंग नहीं लगेगा, क्योंकि एक ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल करोगे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। क्या नाम हुआ आपका? सचिन कुमार यादव। आप ITI के बारे में कुछ बताइए हमको, जैसे हमको कुछ नहीं पता हो। जैसे ITI का मतलब होता क्या, ITI का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका मतलब क्या होता है? ये तो फुल फॉर्म हुआ इसका, पता नहीं। इसका मतलब होता है आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मतलब ये हुआ है कि इंडस्ट्री में हम काम करने के लिए कैसे तैयार होंगे, उसकी पहली पढ़ाई जो है ITI में की जाती है जो है, और इसी पढ़ाई के मार्फत हम जाके इंडस्ट्री में कोई भी अपना अच्छा से अच्छा काम कर सकते हैं जो। ठीक है, तो दिस इज अ प्री नॉलेज ऑफ इंडस्ट्री। ओके, ये नॉलेज के बिना आप काम नहीं कर सकते इंडस्ट्रियल एरिया में, इसी वजह से इसका नाम भी इंडस्ट्रियल दिया गया है। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। कब से आप कोर्स कर रहे हो? ये 2 महीने। किस चीज़ का कोर्स कर रहे हो? इलेक्ट्रिशियन। आप इलेक्ट्रिशियन के बारे में जरा सब कुछ हमको बताएं, इलेक्ट्रिशियन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चीज क्या होती है, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक? मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सही है, मतलब कि ये क्या बोलते हैं, मैं और लड़कों से बात कर रहा हूँ। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? अभिषेक कुमार चौबे। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब आप बताइए, आप इलेक्ट्रिशियन कोर्स कर रहे हो? इलेक्ट्रिशियन का मतलब जैसे इलेक्ट्रिशियन का कोई क्या या कुछ भी वैसा। आपको यहाँ का क्लास कैसा लगता है? अच्छा लगता है। क्लास समझ में आता है? जी सर, बोल रहे हैं कि एक दिन का जो पढ़ाया हुआ चीज़ है उसी दिन याद करके आना चाहिए, तो आप याद करते हो? जी। तो पता होगा इलेक्ट्रॉनिक की मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिशियन? जी इलेक्ट्रिशियन ये तो पता नहीं। चलिए मैं और लड़कों से जानने का प्रयास करूंगा किस तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाती है। सर से बात किया हूँ, वह काफ़ी अच्छे बेहतरीन तरीके से पॉजिटिव है। क्या नाम हुआ आपका? अविनाश कुमार सर। किस चीज़ का कोर्स कर रहे हो आप? इलेक्ट्रिशियन सर। इलेक्ट्रिशियन आप भी कर रहे हो, तो इलेक्ट्रिशियन में कौन कौन मशीन से ट्रेनिंग दी जाती है, एक्सपेरिमेंट किया जाता हो, प्रैक्टिकल किया जाता हो, कुछ जानकारी थोड़ा दें सर। ट्रांसफार्मर हो गया और चलिए। क्या नाम हुआ आपका? दिलीप कुमार। आप ITI कौन सा कोर्स कर रहे हो? इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन कर रहे हैं, अभी सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सेकेंड ईयर का स्टूडेंट, तो आप इलेक्ट्रिशियन करने के लिए कैसे आपका दिमाग में आया थॉट्स कि हमें इलेक्ट्रिशियन ITI करना चाहिए, क्या इसका प्रोसेस होता है, आप जानने का प्रयास किए होंगे, किस प्रकार इस संस्थान से जुड़े हैं आप? हम संस्थान से जुड़े हुए हैं STD के लेवल से हैं, क्योंकि हमको पता चला है कि इलेक्ट्रिशियन जो सब्जेक्ट है अभी के मामले में बहुत ज़्यादा अभी प्रभावित हो रहा है। अभी हम फिलहाल ग्रेजुएशन कर चुके हैं, समझे? ग्रेजुएशन करने के बाद हमको पता चला है कि जब तक ITI डिग्री नहीं होगा तब तक हमको कोई सुविधा नहीं मिलेगा। अभी तक झारखंड का स्थिति जो देखे हुए हैं उस हिसाब से हमको फिर ITI करना पड़ रहा है। क्योंकि जब ITI आप नहीं करोगे तो आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं जा पाओगे। आप अगर ITI कर लेते इसको काफ़ी अनेक फायदे हैं, आप सरकारी सेक्टर में जा सकते हो, प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हो, अपना खुद का भी काम कर सकते हो, काफ़ी बेहतरीन स्कोप इसमें देखने को मिलता है। तो और आगे क्या करना है?
ITI कंप्लीट होने के बाद CTI जो करेंगे टीचर ट्रेनिंग का, उसका कंप्लीट करके फिर हम आगे फिर भविष्य में। काफ़ी अच्छा स्कोप है, आप भी कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं सरस्वती ITI। ये विद्यार्थी जो है एक स्टेटमेंट बताया कि ITI के बाद CTI करेंगे। CTI मीन्स ये हुआ कि ITI का मास्टर बनने के लिए जो है CTI किया जाता है जो। अच्छा, इसका मास्टर बनने का कोर्स है, ये कोर्स है, ये इसको CTI जो करेगा वही मास्टर बन सकता है जो। ठीक है, चलिए मैं और लड़कों से बात करूंगा, जाने का प्रयास करूंगा किस प्रकार शिक्षा दी जाती है, क्या स्पेशलिस्ट है यहाँ, क्या और सुधार होना चाहिए, इस पर भी मैं बात करूंगा। क्या नाम हुआ आपका? विकास सदस्य सर। चलिए, यहाँ क्या स्पेशलिस्ट है तो हमको पता चल गया है, सब बात भी की, अच्छा भी लगा। क्या चीज़ और होना चाहिए यहाँ पे सर? बहुत प्रैक्टिकल करवाया जाता है सर, और हमारे जैसे राजेश सर हैं बहुत बेहतरीन से बताते हैं, मिश्रा सर हैं वो भी बहुत बेहतरीन बताते हैं, तो हम फैसिलिटी तो बहुत बढ़िया है सर, जबरदस्त। और क्या होना चाहिए और ऐसा स्पेशलिस्ट मतलब जो ये फैसिलिटी जो और क्या ऐड करना चाहिए ताकि स्टूडेंट को और अट्रैक्टिव लगे पढ़ने में, बोरिंग फील ना हो, मज़ा आए पढ़ने में। आज देखिए शिक्षा एक बोरिंग जैसा हो गया है, लोग बोरिंग समझता है शिक्षा, जहाँ शिक्षा का नाम आया को क्लास का नाम आया लोग उसके भागते हैं उसका नाम सुन करके। तो ऐसा क्या लाना चाहिए, हम स्टूडेंटों से बात कर रहे हैं, क्या लाना चाहिए ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए, इंटरेस्ट जगे उस सब्जेक्ट के प्रति और आप याद कर पाएँ? अभी हम उनसे बात कर रहे थे तो उनको याद नहीं था, आखिर कुछ तो कोई कारण होगा, या तो अपना सेल्फ स्टडी आप नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी करने की ज़रूरत है और क्या सुधार करने की ज़रूरत, वही तो हमको जानना है। नो सर, वैसे तो जरूरत नहीं, हमारे सर तो सारे भी बढ़िया हैं, सारे जरूरी है, बढ़िया बेस्ट सर, सारे बढ़िया हैं। तो आप याद करते हो डेली? यस सर। पढ़ाई करते हो? यस। आप ITI का मतलब क्या होता है ये सब बता दो। इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसे हमारे बहुत सारे सुविधाएं होती है सर, हर जॉब के लिए मांग हो गया ITI का सर, जैसे रेलवे हो गया और ATC बहुत सारे हो गए सर। काफ़ी सेक्टर है, रेलवे तो महत्वपूर्ण स्थान रखती है आपका, SM जब तक स्टेशन मास्टर का आप तैयारी करते हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, रेलवे एंड ATC में बहुत ही अच्छा इसका भूमिका रहता है। यस सर। आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाते हो, स्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, कंस्ट्रक्शन लाइन में जाते हो तो उसमें भी काफ़ी। चलिए मैं एक सर से बात करता हूँ। स्टूडेंट के अंदर क्या है कि जो रेगुलर क्लास करते हैं वो इसका बेनिफिट अच्छे से ले पाते हैं, क्योंकि अगर वो क्लासेस कर रहे और तो इसका जानकारी ले रहे तो वो इसका उपयोग भी कर पाते हैं। बाकी कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रेगुलर क्लास नहीं करते, कुछ दिन आते हैं कुछ दिन नहीं आते, फिर लोगों को क्या ऐसे इंटरेस्ट नहीं हो पाता, उनका इंटरेस्ट नहीं लगता है, पढ़ाई बोरिंग लगने लगता है, वो सर्टिफिकेट बन के रह जाता है, उसका उपयोग नहीं हो पाता है। अब बिना नॉलेज का सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं, नहीं फिर कोई काम का नहीं रहता है। और हम इलेक्ट्रीशियन के इंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आप सर्टिफिकेट से कोई काम नहीं, आपका एक्सपीरियंस काम देगा, आपका प्रैक्टिकल काम देगा, आपका एक्सपेरिमेंट काम देगा। सर हम इलेक्ट्रीशियन के इंस्ट्रक्टर हैं और हमारे सब्जेक्ट में काफ़ी लड़के इंटरेस्टेड रहते हैं और अच्छे से स्टडी भी करते हैं, और बाकी जो दिया भी जाता है होमवर्क दिया जाता है या जो भी वर्क दिया जाता है अच्छे से पूरा भी करते हैं। अच्छा, जो नए लड़के आने वाले हैं जो करना चाहते हैं ITI की, हमें भी करना है, काफ़ी स्पेशलिस्ट बताएं कि ये फ़ायदा भी है, काफ़ी स्कोप है, तो किस प्रकार वो तैयारी करें, क्या किस चीज़ कैसे आए लड़के नए नए? देखिए क्या करना चाहिए उनको? ITI ऐसा ये जो हम स्टडी करते हैं ITI के बारे में, इसमें बहुत सारे स्कोप होते हैं, जैसे कि अभी सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आता है रेलवे में ALP असिस्टेंट लोको पायलट हो गया, टेक्नीशियन हो गया, अब ग्रुप डी में भी मैंडेटरी कर दिया गया है ITI। उसके बाद अगर देखेंगे कंपनी तो सेल गेल भेल NTPC ये सारे कंपनी, इसके बाद जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है जैसे बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, राजस्थान हो गया, UPPCL हो गया, UP का है, और हमारे यहाँ झारखंड ऑटोमोबाइल्स कंपनी भी देखें जैसे टाटा मोटर्स हो गया, मैं बहुत सारे ऐसे ऑटोमोबाइल्स कंपनी जो हैं वो चाहते हैं कि मेरे वेल ट्रेंड मिले हमको, तो वही अब बनाते हैं। हाँ वही टेक्नीशियन ही बनते हैं, वही ट्रेंड होते हैं, और जो ऑटोमोबाइल का बात करें वो फिटर ट्रेड से होता है। फिटर ट्रेड, हाँ, हमारा जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है वो इलेक्ट्रिकल पे वर्क करता है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होता है उस पे वर्क करता है, जैसे हमारा मोटर जनरेटर ट्रांसफार्मर हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब, ये सारे चीज़ पे वर्क करता है। इलेक्ट्रीशियन और इलेक्ट्रॉनिक अलग अलग ट्रेड हो जाता है ITI में, आगे इसके आगे देखेंगे डिप्लोमा बीटेक तो वो साथ में रहता है, लेकिन ITI में वो अलग अलग हो जाता है। काफ़ी स्टूडेंट जो हैं इस पे रुचि रखते हैं एक्सपेरिमेंट करने में, प्रैक्टिकल करने में, स्टूडेंट को एक बार दिखा सकते हैं, सारे स्टूडेंट जो है अभी अध्ययन कर रहे हैं, कुछ दिन बाद जाएंगे अलग अलग फील्ड में काम करेंगे, यही सब जो है सो आगे जाके अच्छे बेहतरीन इंजीनियर बनते हैं और नए नए चीज़ों का आविष्कार करते हैं। काफ़ी अच्छी शिक्षा दी जाती है, काफ़ी शानदार इंस्टीट्यूट है यहाँ जो कि नाम सरस्वती ITI। आप अपना एड्रेस दे सकते हैं?
जी सरस्वती प्राइवेट आईटीआई लोचन पथ मटवारी हजारीबाग और बैंक ऑफ इंडिया का अपोजिट साइड है। झारखंड का नंबर वन आईटीआई कोचिंग संस्थान है, थ्री स्टार रेटिंग संस्थान है जो कि रजिस्टर्ड है भारत सरकार के एनसीबीटी से। किस चीज का शिक्षण देते हैं? फीटर इंस्ट्रक्टर है। फीटर इंस्ट्रक्टर है, फीटर के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि स्टूडेंट लोग को पता चल पाए, मेरे व्यूअर को, कि फीटर क्या होता है। देखिए आजकल का जो युग है ये मशीनों का युग है और मशीन को एक अच्छी तरीके से चलाने एवं मरम्मत करने के लिए एक कारीगर की आवश्यकता होती है जो कारीगर हमारा फीटर होता है। ठीक है, किसी भी कारखाना में या प्रोडक्शन वर्कशॉप में फीटर का एक अहम भूमिका होता है, इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता, कुछ हो ही नहीं सकता। और इस सबको किसी भी कार्य से निपुण होना बहुत अत्यधिक जरूरी होता है क्योंकि जो फीटर अपना काम करता है वो किसी भी काम में 100% अपना दक्षता देता है और 100% दक्षता देने के लिए ये सबको हैंड टूल से संबंधित काम करना होता है। ठीक, हस्त औजार जिसको हम बोलते हैं, जैसे फाइल हो गया, हैमर हो गया, चीजल हो गया, पंच हो गया, स्क्राइबर हो गया, ठीक है, तो ये सब चीज से हैंड टूल्स जो है ये सब चीज से मेरे बच्चे लोग या प्रशिक्षार्थी लोग 75% काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावे 25% जो काम होता है वो मशीन से संबंधित होता है, जैसे अभी आप वर्कशॉप में ड्रिल मशीन देखें, ग्राइंडर मशीन देखें, लेथ मशीन देखें। Something about you feels so different. Yeah, you mess me up inside. It's like your energy was kissing my soul back to life, was living. Now it feels like every part of me is dying. Yeah, you're gone without a trace. You left me with.